मैं आपको बता रहा था प्राइवेट लेबल बिजनेस का। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम चाह रहे हैं जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी साथ साथ देख लें, बाद में उनकी क्वेरीज होंगे फिर वो समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से उनको बताएं, या उनके अगर कन्फ्यूजन रह जाएंगे जो हम लोग डिस्कस कर लिया होगा फिर फायदा नहीं है। एनीवेज उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि हम लोग प्राइवेट लेवल बिजनेस की तरफ क्यों नहीं जाते, या हम लोग उसको सजेस्ट क्यों नहीं करते। उसकी रीज़न है कि एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी चाहिए आपको। US मार्केट में अगर आपने काम करना है कम से कम $15,000 चाहिए, $20,000 चाहिए, और उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ड्रॉप शिपिंग की तरफ अगर आप आते हैं, और एक उसमें जो PL का PL का में एक तो आपका क्या नाम इन्वेस्टमेंट भी आपकी हैवी है, दूसरा आपको टाइम पीरियड अच्छा खासा लग जाता है, यानी कि आपको कम से कम भी 7-8 महीने चाहिए आपको उसको प्रॉफिट में लेके आने के लिए। उसमें आपकी प्रॉपर आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंपेन्स हैं, PPC कंपेन्स होती हैं, वो सारा कुछ आपको रन करके उसको तो नंबर वन पेज पे लेके आना होता है ताकि उसकी सेल्स जनरेट हो। एक तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, 6-7 महीने बाद हमें पता चलना है कि जो हमने पैसे लगाए हुए हैं उसका हमें कोई फायदा भी है या नहीं है, दूसरा उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी आती है, फिर जाके थर्ड स्टेप में जाके पता चलेगा कि हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं या हमारी इन्वेस्टमेंट सारी डूब गई। और इसमें PL के सक्सेस रेशियो जो चल रही है वो 3 out of 1 चल रही है। आप 3 PL करेंगे तो उसमें से एक आधी आपकी सक्सेसफुल होगी, जो ये नॉर्मल रूटीन चल रही है अमेज़न के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा होता जा रहा है, मार्केट सैचुरेट भी हो रही है, सैचुरेट इतनी नहीं हो रही मार्केट लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है। और जैसे इधर अपना डॉलर का रेट जैसे जाता जा रहा है, अगर आप पाकिस्तान से आप करते भी हैं 15-20 हज़ार लगाते भी हैं तो उसका आप अंदाजा करें कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो एक आम बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी अमाउंट लगाए और एट रिस्क लगाए कि 6-8 महीने बाद पता चलना कि फायदा भी होगा या नहीं होगा। नंबर पे आ जाता है, फिर आ जाता है आपका ड्रॉप शिपिंग, कि हम ड्रॉप शिपिंग को क्यों कहते हैं कि आप लोग ना करें। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत रिस्की मॉडल है। रिस्क इस सेंस में है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिस्क में होती है और आपके जो अकाउंट है, जो आपका अमेजोन का सर्विस सेंटर है, कंपनी है, वो भी रिस्क में होती है। रिस्क में इसलिए होती है कि आप अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ जा रहे होते हैं। जो अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपने अगर मेरे प्लेटफॉर्म में बिजनेस करना है, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमारे रूल्स हैं, अगर आपने उससे बाहर जाओगे तो वो आपको किक आउट कर देता है, आपका अकाउंट बंद कर देता है, पैसे भी होल्ड कर लेता है। हम लोगों ने भी की थी ड्रॉप शिपिंग, PL भी चल रहे हैं हम लोगों के, लेकिन तो हमारा भी एट द एंड वही हाल हुआ है जो सबका होता है ड्रॉप शिपिंग में। पैसे भी फंस जाते हैं, ठीक ठाक अमाउंट फंस जाती है आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, और फिर अमेजोन की मर्जी है, वो 90 डेज का टाइम पीरियड देता है, 90 डेज के बाद भी वो वापस करेगा या नहीं करेगा वो अमेजोन की मर्जी होती है। दूसरा, आपने अकाउंट को ग्रो किया, मेहनत की उसके ऊपर, अकाउंट भी आपका हाथों से जाता है, कंपनी भी जाया, अकाउंट भी जाया। इसलिए फिर हम लोग होलसेल FBA के मॉडल को हम लोग प्रेफर करते हैं। वो इस वजह से प्रेफर करते हैं कि इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 100% सेफ होती है। सेफ आपकी इस तरीके से होती है कि आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई होती है, थोड़ी इस तरीके से लगाई होती है कि आपकी 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होती। जैसे प्राइवेट लेवल में 100% इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर है, इसमें आपकी 100% इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होती। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीपल प्रोडक्ट और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों ने चेक करना है किसका पोटेंशियल है नहीं है, उसकी हम लोग 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, इतने यूनिट्स लेते हैं और उसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसका पोटेंशियल है कि नहीं है, और 10-20 यूनिट्स में हमारा पोटेंशियल नजर आ जाता है। फिर प्रोडक्ट्स भी हम लोग वो वाले चूज करते हैं जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, जिनके जिन रैंक हुए होते हैं, जो ब्रांड ने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, रैंकिंग के अंदर की होती है, प्रमोशन के लिए अंदर की होती है उन्होंने, तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हम लोग वो वाले प्रोडक्ट्स चेक करते हैं जिससे हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि इसमें हमें किसी किस्म का इशू नहीं होगा। इशू इन द सेंस कि हमारी इन्वेस्टमेंट बाउंड नहीं होगी, हमारी कुछ ना कुछ सेल्स आ जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट बाउंड भी होगी तो 10 से 20 मिनट्स के ऊपर होगी, वो हमारी 100% इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं होती है, और हम लोग ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं जो कि एक हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ऑलरेडी ब्रांड बेच रहे होते हैं या अदर सेलर्स जो हैं जो दूसरे हमारे कंपिटिटर्स हैं वो बेच रहे होते हैं, तो इस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो जाती है। फिर उसमें मजे की चीज़ है कि हम लोग जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो अमेजोन की पॉलिसीज हैं उनके मुताबिक कर रहे होते हैं हम लोग अपना बिजनेस, हम लोग वैलिड सप्लायर, वैलिड होलसेलर, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। उसके हमें ये बेनिफिट होता है कि अगर इन फ्यूचर अमेजोन हमसे कहता है कि आप बिजनेस आपने कहाँ से बाइंग की है, आप हमें इनवाइस क्यों करवाओ उसकी, तो हमारे पास वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते
होते हैं, वैलिड सप्लायर होते हैं, जिनकी इनवाइस होती है, जिनके जिनसे हमारे पास ऑथराइजेशन लेटर होता है, हम लोग वहाँ से उनकी इनवाइस लेते हैं, उनका जो ऑथराइजेशन लेटर है वो हम अमेज़न को प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है वो 100% सेव हो जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेव हो जाती है, बिजनेस भी हमारा सेव हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, अगर आप किसी ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर करना है, या अगर आप लोग एज अ सर्विस प्रोवाइडर हो, आपसे अगर कोई पूछता है कि हम लोग ने ये होलसेल का बिजनेस करना है तो हम लोग कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, तो ये बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लाइक $2,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो जस्ट टेस्टिंग फेज के हिसाब से एक आपको आइडिया हो जाएगी कि बिजनेस मॉडल किस तरह का है, या अगर आपका इन्वेस्टर जो है आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपका इन्वेस्टर है, उसको जस्ट आइडिया हो जाए कि ये बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, इस बिजनेस मॉडल में फायदा है नहीं है, या अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ 2,000 से करके वो समझने जाते हैं उसका चस्का लेना कि हमें समझ आता है कि नहीं, बिजनेस का हमें मजा आता है कि नहीं, हम लोग करके देख लें, तो ये आप लोग छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हो। पीएल आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते, पीएल के लिए आपको प्रॉपर एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ड्रॉप शिपिंग होती है कि आपने दूसरों के प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, पहले से स्टॉक नहीं बाय किया हुआ आपने, जब ऑर्डर आएगा आपके किसी भी थर्ड पार्टी रिटेलर से या सेलर से या किसी से भी, हाँ उधर से उठा के डायरेक्ट कस्टमर के वेयर हाउस, कस्टमर के घर भेज देते हैं आप, ये ड्रॉप शिपिंग होती है। तो ये रिस्की इसलिए होती है कि हम अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, अमेजोन कहता है कि आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, प्रॉपर सप्लायर के साथ या ब्रांड के साथ काम करें, वो अपना कंपनी टू कंपनी उनके साथ एग्रीमेंट करें, उनके साथ आप उसके बाद आप अपना बिजनेस करें, वो उसकी प्रेफरेंस होती है कि मेरे कस्टमर खराब ना हो अमेजोन की, वो कहता है कि क्योंकि कस्टमर कस्टमर के ऊपर सारा बिजनेस चलता है, तो कस्टमर अगर उसका डिससेटिस्फाई होगा वो आएगा नहीं खरीदने, या कोई भी कंप्लेन करेगा कि मैंने ऑर्डर तो किया अमेजोन से मुझे मिल रहा है वॉलमार्ट से, तो वो तो कस्टमर उसका डिससेटिस्फाई होगा और वो इस वजह से वो उसको मना करता है, और उसकी वजह से अकाउंट बहुत ज़्यादा जो है वो उसको डीएक्टिवेट कर देता है, और डायरेक्ट डीएक्टिवेट कर रहे हैं आजकल, अमेजोन वार्निंग भी नहीं दे रहा कुछ किसी किस्म की, हाँ बहुत कर रहे हैं, समझने वेव आई भी है डीएक्टिवेशन की, तो अनलिमिटेड हो रहे हैं डीएक्टिवेट, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी यानी कि रिकमेंड ही नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएं, ठीक है। उसके बाद एक और मॉडल है जो हम लोग इधर साथ आपको बताएंगे, ऑनलाइन आर्बिट्रेज का, ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल तो हम लोग जब इधर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, ठीक है। मॉडल ऑनलाइन आर्बिट्रेज का जो अभी रिसेंटली काफी ज्यादा स्टार्ट हो गया है, आवाज आपको नहीं आ रही इधर, आप देखो आप आ रही होगी आवाज आपको, अच्छा। दूसरा मॉडल है एक ऑनलाइन आर्बिट्रेज का, ये भी रिस्की है लेकिन ड्रॉप शिपिंग या पीएल के हिसाब से उतना रिस्की नहीं है, ये रिस्की इस तरीके से है कि हम लोग इसमें भी हम लोग एफबीआई करते हैं, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस ही अपना स्टॉक भेज रहे होते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम नहीं कर रहे होते, हम लोग रिटेलर से चीजें बाय कर रहे होते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस भेज के, तो इस तरीके से हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज में, उसमें उसमें हमारा रिस्क जो है रिस्क फैक्टर उतना ही है जितने हम लोगों ने इन्वेंट्री बाई की हुई है, और रिस्क फैक्टर भी तब है कि अगर हम लोगों ने प्रॉपर वर्किंग नहीं की हुई, इसके भी क्राइटेरियाज हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज हैं, सप्लायर्स जो हम लोगों ने जिधर से बाय करना है या रिटेलर्स हैं जिधर से हमने बाय करना है उसके क्राइटेरियाज हैं, अगर हम उन क्राइटेरियाज के मुताबिक हम लोग प्रॉपर काम करते हैं तो फिर उसका फिर हमें किसी किस्म का इसमें भी रिस्क नहीं है, इसमें जो है हमारी क्विक मन इनकम जो है ना जनरेट होना शुरू हो जाती है, वो इस तरीके से जनरेट होती है कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी प्रोडक्ट हंटिंग करके 10 यूनिट से आपने भेज देने हैं, होलसेल थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग इस वजह से है कि आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी होती है सप्लायर्स के साथ, कम्युनिकेशन करके उनके साथ अकाउंट सेटअप करके उनके प्रॉपर प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने चेक करके वेरीफाई करके अपने वेयर हाउस भेजते हैं, वेयर हाउस से फिर आपका उधर जाता है आपके अमेजोन के वेयर हाउस जाता है, इस वजह से होलसेल जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप ये समझ लें कि दूसरे महीने या तीसरे महीने से आपका प्रॉफिट में आ जाता है, लेकिन जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज का बिजनेस है वो आपका फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाता है, वो टाइम टेकिंग बिजनेस नहीं है, उसको आप फौरी तौर पे स्टार्ट कर सकते हो, आपने उसमें आपके लिए कंपनी रिक्वायर्ड भी नहीं है, जैसे अगर आपने पाकिस्तान से करना है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक आप आपके पास है $400-500 हैं, आप $400-500 के साथ भी उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि मिनिमम इतने ही होने चाहिए, आप 5 यूनिट्स भेज दो, 10 यूनिट्स भेज दो, आपको नजर आएगा, एक आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरे प्रोडक्ट्स रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसको बेच के मुझे इतना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, फिर आप बेचक अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ, इसमें आप अपना 400-500 से भी इजीली स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जस्ट टू देखने के लिए कि वाकई इसमें प्रॉफिट आता है या नहीं आता है, ठीक है। प्रॉपर बिजनेस आपने करना है उसके लिए तो डेफिनेटली आपको अच्छी होती है, ठीक है। इधर जो अब हम लोग करवाते हैं ना कोर्स, उसमें हम लोग आपको सिखाएंगे कि आपने एज अ बिजनेस मैनेजर कैसे बनना है, वर्चुअल असिस्टेंट नहीं हम बताते, वर्चुअल असिस्टेंट एक बंदा अगर करे ना कि वर्चुअल असिस्टेंट हूँ मैं,
तो एक दिन में बस वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आया था कि यार बस मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। बिजनेस मैनेजर का मकसद ये है कि आपने अपना बिजनेस किस तरीके से ग्रो करना है, चाहे आपका अपना बिजनेस है चाहे आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। अगर आप एज अ बिजनेस मैनेजर सोचोगे कि मैं इस बिजनेस का मैनेजर हूँ, इसको मैंने सारा मैनेज करना है, तो आपकी थिंकिंग और होगी। अगर आपके माइंड में होगा ना कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो एक सोच भी उस तरह से ना लिमिटेड हो जाती है कि बस मैंने इतना इतने से इतना काम करना है। तो सोच को कभी भी आपने लिमिटेड नहीं करना, आपने बनना है बिजनेस मैनेजर, आपने बिजनेस को मैनेज करना है, बेशक अपना बिजनेस हो बेशक आपका क्लाइंट का बिजनेस हो। ठीक है, तो आपको हम सारा उसमें ना ए टू जी चीजें बताएंगे कि आपने बिजनेस को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन क्या करनी है, अगर सप्लायर उसको आपको मना कर रहा है कि मैंने आपके साथ अकाउंट सेटअप नहीं करना, तो आपने किस तरीके से उनको कन्वेंस करना है, किस तरीके से आपने अपनी शिपमेंट्स बनानी है, शिपमेंट्स को किस तरीके से आपने कॉस्ट बचानी है, अपनी बिजनेस को किस तरीके से आपने प्रॉफिटेबल लेके आना है, क्लाइंट्स के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो आपने कैसे करनी है, क्लाइंट्स आपने किस तरीके से आपने उनके साथ क्या नाम है डील क्लोज करनी है। क्लाइंट्स तो आ जाते हैं कि यार हमने आपका देखा, आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है हमें बताओ, लेकिन असल चीज़ होती है डील क्लोज करनी। डील क्लोज इन द सेंस कि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना फाइनल करना है कि हम लोग ठीक है हमने आपको ही देना, आप ही हमारे बेस्ट हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीज़ें जो आपको हम लोग इधर बताएंगे कि आपने क्लाइंट्स किस तरीके से हंट करने हैं, आपने फाइबर अपवर्क फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस जो हैं उसमें किस तरीके से आपने अपने अकाउंट सेटअप करने हैं, किस तरीके से आपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके से आपने प्रपोजल्स भेजने हैं, और अगर आपने फ्रीलांस मार्केट प्लेस से नहीं काम करना, फेसबुक से अगर आप लोगों ने काम करना है, उस तरीके का आपको बताएंगे कि फेसबुक से आपने किस तरीके से क्लाइंट्स लेने हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करें, गोरों के कौन से ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप्स में जाके आपने क्या एक्टिविटीज करनी है जिससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। कभी भी एक आपको मैं एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, कभी भी आपने ना अभी भी अगर ज्वाइन करो आप लोग कोई भी जो ग्रुप्स हैं जो ये सिखा रहे हैं अमेजोन का बिजनेस या कोई भी फ्रीलांसिंग का बिजनेस सिखा रहे हैं या स्किल सिखा रहे हैं, आपने कभी भी ग्रुप में जाकर ना, ये एक टिप दे रहा हूँ आपको, आपने ये नहीं करना कि आई एम अवेलेबल या आई एम इंटरेस्टेड, किसी ने पोस्ट की कि यार मुझे इस रिक्वायरमेंट का बंदा चाहिए, चाहे अमेजोन हो चाहे ग्राफिक डिजाइनर हो वर्डप्रेस हो, ये नहीं कहना आई एम इंटरेस्टेड या आई एम अवेलेबल, ये एक बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। दो चीजें हैं, या तो पूरा उसको आप एक प्रपोजल लिख के भेजो कि ये मेरे स्किल्स हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी ये रिक्वायरमेंट है, मैं आपकी इस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरा करूंगा, या फिर आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके बताओ और उसके उसमें इस तरह से अपनी बात भी एक्सप्लेन कर दो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम करनी है तो मैं आपको, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। कभी भी ये नहीं कहना कि आई एम अवेलेबल, ये एक बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है क्लाइंट्स के ऊपर, जो भी जिसने पोस्ट की होती है। ग्रुप्स में जाके पोस्टिंग वगैरह करो, उससे आपको आइडिया होता है कि आपको नहीं सॉरी क्लाइंट्स को आइडिया होगा या जो देख रहे थे ग्रुप्स में कि ये बंदा जो आ रहा है ये हेल्पिंग हैंड है, ये हेल्प कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि बैगन नहीं है कि मांग रहा है कि या मुझे मुझे क्लाइंट चाहिए मेरे पास काम नहीं है। हमेशा शो करवाओ लोगों को कि मुझे सारा ये नॉलेज है, जो आप लोगों को नॉलेज दिया जाएगा वो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने उसमें कोर्स में बताई जाएगी कि आपने किस तरीके से क्या बात करनी है लोगों की, किस तरीके से हेल्प करनी है, किस तरीके से आपने क्लाइंट्स लेने हैं, तो ये सारा आपको इसमें हम लोग बताए जाएंगे बताएंगे आपको। ये जो अब हमारा जो कोर्स का टाइम पीरियड है ये हमारा इस तरीके से है कि 2 महीने का कोर्स होगा जिसमें वन वन मंथ जो होगा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिस होगी, वन मंथ जो है हमारा इंटर्नशिप होगी आपकी। ठीक है, वन मंथ जो हमारा चलेगा वो इस तरीके से चलेगा कि आपने जो है 3 डेज क्लास होगी, 3 डेज या 2 डेज आप लोगों को बता देंगे हम किस तरीके से है, उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे या फ्राइडे और सैटरडे की घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी, साथ आप लोगों के जो सवाल जवाब होंगे वो उसमें डिस्कस किया करेंगे, और उसके बाद 5 दिन या 4 दिन जो भी होंगे उसके अंदर आप लोगों की फिर प्रैक्टिस होगी, आपको टास्क बेस टास्क दिया जाएगा, वो आपका जो चल रहा होगा सारी लर्निंग टास्क बेस होगी। ये वो नहीं है, ट्रेडिशनल लर्निंग नहीं है जिसमें आपने करना है कि रट्टे लगाने हैं या आपने जो बस बता दिया वो लकीर के फकीर, वो सिस्टम नहीं है। ये टोटली बिजनेस मैनेजमेंट है कि आपने बिजनेस को मैनेज कैसे करना है और एक्चुअल बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। जो और उसके बाद जो सेकंड मंथ होगा उसमें हम आपको उस सेकंड सेकंड जो होगा मंथ उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी हमारी कंपनीज में किस तरीके से आपने कंपनीज को मैनेज करना है, किस तरीके से आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है सप्लायर के साथ, जो इश्यूज आ रहे होंगे जो सप्लायर्स इनकार कर रहे होंगे उनको कॉस्ट पे कैसे करना है। ज्यादातर लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग जो रिकमेंड करते हैं हम कहते हैं ईमेल वन टाइम करें कॉल करें, जितने ज्यादा आप कॉल्स करेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ईमेल्स में आपको बहुत सारी कंपनीज रिप्लाई ही नहीं करेंगी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो बॉदर ही नहीं करते, उनको क्या जरूरत है, उनको जरूरत नहीं हमारी, आप मेल करें
उनको उनको क्या है कि ये कौन बंदा है, क्यों आया है, उनको नहीं होती जरूरत, तो वो बॉदर ही नहीं करते आपको रिप्लाई करने का भी, नहीं उनको उनके पास टाइम होता है या वो करते। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि कॉल्स कैसे करनी है, वो भी हम आपको तरीका इधर में लाइव कॉल्स करके, अपने जितने भी हमारे बैचेस गुजरे हैं उनको हम लोगों ने लाइव कॉल्स करके दिखाई हैं, लाइव कॉल्स करना सिखाएंगे आपको, करके बल्कि दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने कम्युनिकेशन करनी है, किस तरीके से आपने उनको मनाना है अगर कोई इनकार कर रहा है, और उसके फर्दर जो हमारी बातचीत होती है वो किस तरीके से करनी है। शुरू में झिझक होती है, हर बंदे के अंदर होती है इंग्लिश बात करने में, हाथी हालांकि सबको, सब पढ़े लिखे हैं आप लोग, लेकिन एक झिझक होती है हमारे पाकिस्तानी के अंदर कि यार अब हम गोरे से बात करनी है, वो झिझक भी दूर हो जाएगी, वो भी आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से दूर करनी है। हमारे अंदर खुद होती थी, हम शर्माते थे, बल्कि ये पिछले बैठ के जो बच्चे हैं वो कहते थे घर जाके हम बात करेंगे, लेकिन अब इधर बैठ के खा रहे थे वो हंस रहे बैठे थे। तो मतलब वो आप लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चीज का भी, तो कॉल करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग फिर आपको कॉल करना सिखाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो इस बिजनेस में होता है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, रट्टा सिस्टम नहीं है। अगर तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, चीजें आप लोगों को समझ आ गई कि ये बिजनेस इस तरीके से रन करना है, उसमें फिर बेशक आप अपना अपनी इन्वेस्टमेंट करें, बेशक आप अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 4 4 वीक्स क्लास होंगे हमारी, 2 डेज या 3 डेज अ वीक क्लास हुआ करेगी, बाकी प्रैक्टिस है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो होगा वो इंटर्नशिप का होगा। फिर इंटर्नशिप में जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, जो जिनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, उनको फिर हम चांस देंगे हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए। बाकी आप लोगों के लिए फ्री हैंड है कि आप लोगों ने अपना काम करना है, बेशक अपना काम करेंगे, हमारी टीम का हिस्सा बनना है, हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास होती है, क्योंकि हमारे पास रेगुलर आ रहे होते हैं। हमारा ट्रेनिंग का मकसद भी यही था कि हम लोग खुद बच्चे अपने स्ट्रेटेजीज पे तैयार करें जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जो बच्चे अच्छे कादरे होंगे उनको हम खुद मौका दें कि बजाय इधर तो आप लोगों ने जो काम ढूंढना है, हम आपको पार्टनरशिप्स के भी ऑफर करते हैं इधर बच्चों को, और सैलरीज वाला ऑप्शन भी हमारे पास होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ये भी होती है कि आप लोगों को बाहर जाके काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर से आप लोगों का स्टार्ट हो जाए करेगा। तो ये हमारा इस तरीके से रोड मैप है, ये कुछ है जो हम लोग होलसेल में और ऑनलाइन आर्बिट्रेज में काम करना है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप लोगों ने कुछ कन्फ्यूजन हो, डेफिनेटली बच्चों को पता तो होता है कि अमेजोन की जो इतनी हाइप क्रिएट हुए, जो कुछ चल रहा है मार्केट में, नुकसान भी हो रहे हैं लोगों के, फायदे भी उठा रहे हैं, मीम्स वाले ग्रुप भी बने हुए हैं, उसमें मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि ये मंजन बेच रहे हैं अपना। तो कुछ भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है आप लोगों ने, तो आप फ्रीली पूछ सकते हो। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं इन्होंने भी अगर कुछ पूछना है तो आप लोग भी पूछ सकते हो। आपने बेटे कुछ पूछना है तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं जो ऑनलाइन आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है, कुछ कोर्स से रिलेटेड या कुछ आप लोगों ने अमेजोन से रिलेटेड कुछ पूछना है, किसी किस्म की भी कोई बात आप लोगों के माइंड में हो तो आप पूछ सकते हो। जी, आप पूछो, अनम्यूट कर लो आप। जी कासिम, आप बताओ आपने क्या पूछना है। फाइबर का कोर्स नहीं होता प्रॉपर, फाइबर का सारी स्ट्रेटेजीज जितनी भी हैं आपकी, गिग रैंक करने की स्ट्रेटेजी, आपने जो प्रपोजल सेंड करने हैं उसकी स्ट्रेटेजीज, जो जो कुछ उसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आपको उसमें बता देंगे। आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आपने उसमें प्रोजेक्ट्स किस तरीके से विन करना है, प्रपोजल्स क्या भेजने हैं, और आपने फाइबर पे अपनी गिग्स जो बनानी है, किस किस चीज से रिलेटेड बनानी है, वो सारी चीजें आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल मिल सकते हैं, इनका अर्निंग प्रूफ मिल सकते हैं। हमारे जो सेकंड बैच के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ ज्वाइन, उन्होंने हमारी टीम भी ज्वाइन की हुई है, वो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। आप लोग उनका बेशक नंबर ले लेना, उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि वो क्या कर रहे हैं, किस स्टेजेस पे हैं। बाकी हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन अ वीक हमारी स्टार्ट हो जाएंगे। जितने हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो लो लेवल से अब माशाल्लाह अपना अच्छा रोजगार कमा रहे हैं, उनके साथ भी आपके साथ लाइव इधर फेसबुक में आया करेंगे। बल्कि एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे भी देता हूँ, जिसका हम लोगों ने इंटरव्यू भी करना है इसी वीक। मेरे पास बच्चा आया था डैरकी से, चावल छोलों का उनका बिजनेस था, रेडी लगाते थे उनका जद्दी पुश्ती, यही बिजनेस था जो काम कर रहे थे। अब वो फाइवर में लेवल 1 सेलर बन गया, अमेजोन की अर्निंग से। वो डेली डैरकी से आता था मेरे पास कोर्स करने, पुराना ऑफिस हमारा उधर, डेली को वो आता था उधर से कोर्स करने, और उसने इतने अच्छे रिजल्ट दिए, उसने इतना अच्छी लर्निंग की कि फाइवर पे उसने सारा काम किया। वैसे ऑफलाइन भी उसके चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन भी उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं फाइवर के थ्रू। अब वो फाइवर का लेवल 1 सेलर बन गया हुआ।
ये हमारे जितने भी बच्चे अब तक सक्सेसफुल हो गए उनकी हम लोग लाइफ जो है सक्सेस स्टोरीज अब हम स्टार्ट करेंगे उनकी। इस तरह की और भी काफी मिसालें हैं। फीमेल्स हैं हमारे पास, एक फीमेल हमारे पास आती थी, बेवा है वो, तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उनके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी उससे उन्होंने स्टार्ट किया, वो माशाल्लाह अपना अच्छा उनका शुरू हो गया। तो ये सारे आपको प्रूफ के साथ आपका लाइव सेशन हम किया करेंगे। हाँ, काम करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप रिजल्ट्स भी अच्छे दें, ये ना हो कि आप हम लोग आपके पीछे पीछे हो, आप आगे आगे हो, रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। बच्चा एक पूछा कि हम आपके साथ अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, तो वो मैंने पहले क्लियर किया, जो अच्छे रिजल्ट देंगे उनको डेफिनेटली हम मौका देंगे अपने साथ काम करने का। अभी तो बच्चे काफी आए भी नहीं है, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, वरना इधर वो स्पेस नहीं होती, जो हमारे बैचेस के बच्चे हैं कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ हमारी अपनी टीम में ऐड हो गए हैं। ये जो पीछे बैठे हुए हैं तकरीबन 6 बच्चे बैठे हैं जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये हमारे साथ पार्टनरशिप में है ये सारे बच्चे। अच्छा जी, आप भी कुछ पूछो, पूछो क्या पूछ रहे हो आप। और कोई सवाल किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो। अच्छा, एक और चीज मेरे ज़हन में आई है कि बच्चे पूछते हैं कि हम लोग फ्रीलांसिंग की क्यों करें, हम लोग और क्यों ना कुछ करें, जॉब्स क्यों ना करें, फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों है। फ्रीलांसिंग की तो मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, थोड़ा सा मुझे ये बताने दें। फ्रीलांसिंग की जरूरत तो देखो सबसे बड़ी जो जरूरत है ना इस टाइम पे, जो आप देख रहे हो कि डॉलर का रेट किधर जा रहा है, महंगाई कितनी होती जा रही है हमारे मुल्क में, सबसे बड़ी जरूरत तो हमारी है कि हम लोग डॉलर लेके आए, अपने लिए भी लेके आए, कमाना तो हमने अपने लिए है, और तो जब आपके इधर मुल्क में आएगा तो डेफिनेटली मुल्क को भी फायदा है। सबसे बड़ी रीजन तो हमारी ये है कि हम लोग इसको डॉलर्स में अर्निंग करें, ताकि जितनी महंगाई होती जा रही है हमारे एक्सपेंसिस उस हिसाब से बियर हो, हम उसको कवर कर सकें। दूसरी रीजन ये है कि इसमें आपको आपका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि आपको कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि मैंने 9 to 5 जॉब करनी है, आपके पास पैसों की पाबंदी नहीं है, आपने प्रोजेक्ट आपने आपको जरूरत है पैसों की, आप ज्यादा मेहनत करके ज्यादा प्रोजेक्ट पकड़ लो, आपको अभी आप समझते हो कि मैंने टाइम नहीं है, मैंने जाना है घूमने फिरने जाना है, लैपटॉप पकड़ो साथ, टाइम आप आजाद हो, जहाँ मर्जी जाके अपना काम करो, काम नहीं भी करना, प्रोजेक्ट ना पकड़ो, पूरा महीना फ्री। तो इस तरह से आपको आज़ादी बहुत है, माइंड सेट भी आपका रिलैक्स रहेगा कि मैंने इतना प्रोजेक्ट पकड़ना है, इतना मैंने काम करना है, इसमें आप काम करके सक इजीली कर सकते हो। अच्छा, ये पूछा एक बच्चे ने कि सक्सेस रेट कितना है अगर आपके स्टूडेंट हार्ड वर्किंग करते हैं, तो अगर तो हार्ड वर्किंग करते हैं फिर तो 100% सक्सेस रेट है, क्योंकि उनको उनके लिए काम की कमी नहीं है, हम ही उनको नहीं छोड़ेंगे अगर तो अच्छे बच्चे हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सक्सेस रेट क्या है आपके स्टूडेंट्स का, सक्सेस रेट 100% है मेरे स्टूडेंट्स हो या कुछ भी, उसका 100% इस तरीके से है, अगर तो आप अच्छे रिजल्ट दे रहे हो तो हम भी आपको नहीं जाने देंगे, कहीं हम कहेंगे हमारे साथ टिके रहो आप लोग, और अगर तो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे या किसी ने अपना करना है तो वो अपना भी कर सकते हो, और बच्चों पे भी डिपेंड करता है। कई बच्चे आए थे जबरदस्ती कि बस हमने ये करना है, या सुना सुनाए आए थे कि हाइप होती है, माइंड उनका होता है नहीं, उनकी दिलचस्पी होती नहीं है करने की, तो वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। इस तरह के काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सुन सुना के आ गए, उनका इंटरेस्ट भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था उनके पास इतना इतना, यानी कि पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो कर नहीं पाए। कुछ मेरे स्टूडेंट्स इस तरह के भी हैं जिन्होंने जस्ट मैट्रिक किया हुआ है और वो बहुत अच्छी स्टेजेस पे अपनी अपनी एजेंसी बना के बैठे हुए हैं। मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हैं, कराची में भी हैं, सरगोधा के भी हैं, और इधर पेशावर वाली साइड के भी हैं, काफी यानी कि दूर दूर से स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप पूछें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी, आपने जस्ट ट्राई करना है तो आप $2,000 से भी ट्राई कर सकती हैं, लेकिन उसका आपको रिजल्ट इतना ही आएगा कि महीने का आप 100-200 डॉलर बना लेंगे या $300 मैक्सिमम अगर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हुए तो। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट हो, जो आपके क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट हो, तो उसको कम से कम $5,000 बताएं, उससे कम इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं है। आपका काम शुरू हो जाएगा, नजर आ जाएगा आपको कि इस तरीके से पैसे बन रहे हैं, प्रोसेस सारा समझ आ जाएगा, $100-200 भी बनने लग जाएंगे। $100 मेरे ख्याल है 22-23 हज़ार बन रहा है, 23 हज़ार बन रहा है, वो भी आपका बनना शुरू हो जाएगा, 23 हज़ार, 50 हज़ार भी बना सकते हैं आप लोग, बना रहे हैं कुछ बच्चे, बल्कि हम लोगों ने एक इन्वेंट्री बाई की थी तकरीबन 800 की, वो इधर शायद बैठा भी हो बच्चा पीछे, 800 की इन्वेंट्री बाई की थी, उसमें $200 बच गए थे हमें सीधे सीधे। तो इस तरह से भी होता है, 800 का मकसद है तकरीबन 1.5-2 लाख की इन्वेंट्री बाई की, 50 हज़ार बचा दी हमने उसमें, तो इस तरह से भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं। देखें, काम एक बच्चा पूछा कि होलसेल में कितने घंटे काम करना पड़ता है, ये आपने अपने जहन से निकाल देना कि मैं 1 घंटा काम करूं, 2 घंटा काम करूं तो फिर मैं इतने पैसे कमा लूंगा, ये कुछ भी नहीं है, ये एक एक किस्म का, आप इसको पार्ट टाइम भी लेके चल सकते हैं, फुल टाइम भी लेके चल सकते हैं, ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है।
कई बच्चों का जो है माइंडसेट या उनके जो है अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और उनकी एबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो 1 घंटा काम करके उतने अच्छे रिजल्ट्स निकाल देते हैं जो कई बच्चे 5-5 घंटे काम करके नहीं निकाल रहे होते हैं। कई स्लो लर्नर होते हैं, कई फास्ट लर्नर होते हैं, ये तो टोटली बच्चे के अपने ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो कितने घंटे में कितने अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, और कुछ आप लोगों ने पूछना हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड? अच्छा, इसका फ्यूचर अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, कि हम लोग अभी कर लें तो मार्केट सैचुरेट होते जा रही है, लोग कोर्स करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो हम लोगों का क्या बनेगा? तो ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो इस तरीके से अच्छा है कि अमेजोन की मार्केट दिन ब दिन मार्केट भी ग्रो कर रही है, अमेजोन का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। आपको पता होगा कि वो नंबर 1 पे था, अमीर तरीन बंदा जिसका ये अमेजोन है, जेफ बेजोस नंबर 1 था। अब तो खैर एलन मस्क बन गया, लेकिन नंबर 1 था वो, और उसका बिजनेस, उसका भी बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो वो बिजनेस ये कभी कम नहीं होगा, मार्केट में हमेशा गैप होता है, ये बंदे के अपने अंदर होती है कैपेबिलिटीज के, उसको वो गैप को कवर करता है या नहीं करता। देखें, हर चीज में इनोवेशन आती है। एक बच्चा पूछ रहा है कि लाइफ टाइम इसका फ्यूचर, इनोवेशन हर चीज में चाहिए होती है, आपने टाइम के साथ साथ उसमें इनोवेशन लेते हैं, जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं लर्निंग तो आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने होलसेल के एक बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट किया था, फिर जैसे जैसे उसमें चीजें ऐड होती गई, जो जो चीजें नहीं आती गई, हम लोग भी अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहे, कुछ यूट्यूब से देखा, कुछ गूगल से देखा, कुछ अमेजोन की पॉलिसीज देखी, तो अपग्रेड तो आपको करना पड़ेगा। बाकी अब जैसे आपने होलसेल से बिजनेस अपना, आप एक मिसाल के तौर पर सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लें, वैसे एक सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस बना लें, जितना मर्जी ग्रो करते जाएं, उसमें चीजें ऐड करते जाएं, पीएल की सर्विसेज दें, होलसेल की सर्विसेज दें, होलसेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दें, जस्ट आप अपने सप्लायर हंटिंग की सर्विसेज दें, तो ये टोटली अपने ऊपर है कि आप इसको किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका, बाकी ये टोटली आपने इनोवेशन करते जाना है। पाकिस्तान में चांसेस है बिल्कुल, मुल्तान में। अच्छा, ये बच्चा पूछ रहा है कि पाकिस्तान में वेयर हाउस बनने के चांसेस हैं, पाकिस्तान में वेयर हाउस बन भी रहा था मुल्तान में, लेकिन अब जो ड्रॉप शिपर्स ने हालात किए ना ये अमेजोन के, अब कोई पता नहीं अमेजोन अकाउंट भी इधर बचेंगे कि नहीं। नहीं, पार्टनरशिप डिपेंड करता है आपकी, कि आप रिजल्ट्स क्या दे रहे हो, अगर तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं तो फर्स्ट मंथ से हो जाएगा, नहीं तो इंटर्नशिप के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को साल लेके चलना है, पूछ भी लेते हैं हम लोग, हम खुद भी डिसाइड करते हैं आपके इंटर्नशिप के बाद। बच्चा पूछ रहा है कि फर्स्ट मंथ से आप लोग पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, तो पार्टनरशिप टोटली डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ बिल्कुल, होलसेल तो लाइफ टाइम चलती रहेगी, प्रोडक्ट्स अमेजोन, अमेजोन एक समुंदर है, उसमें प्रोडक्ट्स हर किस्म के, एक सुई से लेके तो आप गाड़ियों के पार्ट्स तक चल जाएं, ट्रकों के पार्ट्स चल जाएं, हर चीज दुनिया की बिक्री है उसमें। आप बिल्डिंग मटेरियल देख लें, आप कोई दुनिया की चीज आप जेन में आती है ना कि ये बिकनी चाहिए, वो अमेजोन पे बिक रही है, तो अमेजोन का बिजनेस नहीं खत्म होगा, अमेजोन का बिजनेस चलता जाना है, आपने चीजें अपग्रेड करते जाना है, आपने अपने प्रोडक्ट हंटिंग कंटिन्यू रखनी है, डेली बेसिस पे वो काम है वो करते जाना आपने, बाकी वो लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है, वो बंद नहीं होगा। अमेजोन खुद बंद हो जाए अल्लाह की तरफ से, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या कोई और चीज हो जाए, तो एक है, लेकिन जो अब तक सूरत हाल है वो चलता रहेगा। क्लासेस हमारी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रही हैं, एग्जैक्ट डेट वो अनाउंस कर देंगे ग्रुप में। और कोई सवाल आप लोगों के जहन में कुछ हो, कोई बात तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कुछ भी नहीं? आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों ने अगर कुछ मजीद पूछना है तो। क्लियर है आप लोगों को सेशन को? अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे ख्याल आपने लेट ज्वाइन किया, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था कि मैं 2019 से कर रहा हूँ अमेजोन होलसेल एफबीए में काम, साथ साथ हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग भी की थी, पीएल के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, और अच्छा, और हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और मैंने इंडिविजुअली तौर पे स्टार्ट किया था जब बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर मैंने साथ अपने एक दोस्त को सिखाया, फिर
हम लोग इकट्ठे जुड़े, फिर प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम शुरू किया था। अब हमारे अपने प्रोजेक्ट्स भी चाह रहे हैं और सर्विसेज के तौर पे भी चाह रहे हैं। सर्विसेज हम लोग ने रोक रहे थे, रोकी इसलिए नहीं कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, अक्सर बच्चों के पास ना प्रोजेक्ट्स नहीं होते या मिल नहीं रहे होते, और जैसे ये क्या नाम है आपके सामने इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, तो प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने इसलिए दोबारा से लेना शुरू कर दिए थे ताकि हमारे पास जो बच्चे सीख रहे हैं या आ रहे हैं, हम लोग उनको साथ साथ कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे लगाते जाएं हम लोग। अच्छा, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर में डिफरेंस पूछ रहे हैं। देखो, सप्लायर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो मैं आपको डिफरेंस सिर्फ ये है कि सप्लायर जो होता है वो हर चीज सप्लाई कर रहा होता है, उसमें कोई सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। सप्लायर आपका ब्रांड भी हो सकता है, ब्रांड को भी आप सप्लायर कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप सप्लायर कह सकते हो, आप रिटेलर को भी सप्लायर कह सकते हो। सप्लायर एक जस्ट वर्ड है, सप्लायर आप किसी को भी कह सकते हो। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं, पेप्सी कोक, वो एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं एरिया की, कि इस एरिया में जितने भी रिटेलर हैं या होलसेलर हैं इनको स्टॉक आपने देना, हम डायरेक्ट आपको देंगे, हम उसके अलावा नीचे वालों को नहीं देंगे। तो ये डिफरेंस, तो सप्लायर जो है वो सप्लायर कोई भी हो सकता है, वो जस्ट एक वर्ड मैंने यूज किया था सप्लायर का, वो कोई भी हो सकता है। और कोई चीज कुछ पूछना हो? बाकी अगर आप लोग स्टार्ट करें तो अच्छे तरीके से करें, और ये सोच के नहीं करना कि अगर हो गया तो हो गया, ना हुआ तो देखी जाएगी। अगर ये आप लोगों का माइंड सेट होगा ना, तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर तो आपने करना है तो फिर अपना जेन बना लेना कि मैंने करना है और मैंने करके दिखाना है। इसमें ऑनलाइन काम में टाइम लग जाता है, पैसे बनने में टाइम लग जाता है। आपको जरूरी नहीं है सेकेंड मंथ से पैसे कमाए, थर्ड मंथ से कमाए, टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। जहाँ पे आपने हिम्मत हार दी वहाँ पे आप पीछे हो जाएंगे। लोग ताने भी मारेंगे कि अमेजोन का काम तो खत्म हो गया, अमेजोन तो रोल गया है, ऑनलाइन काम से कोई पैसे नहीं कमाते। हम लोगों ने होती है शुरू में बहुत बातें सुनी है, घर वालों से बातें सुनी है कि टाइम जाए करी जा रहा, पैसे तो आंदे नहीं, तो लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे बनते हैं। चलें, जजाकल्ला जी। और कुछ आप लोगों ने कुछ पूछना, कुछ डिस्कस करना? बिल्कुल मारते हैं, जब आपने आपको टाइम लग जाएगा अर्निंग आते हैं तो लोग ताने मारते हैं। सबसे पहले खानदान वाले मारेंगे, घर वाले मारेंगे। मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ते थे, कहते क्या तुम टाइम जाया करो, जॉब करो, इधर उधर। अब घर वाले कहते हैं एस प्लान को भी सिखा दे, वो फलाने को भी सिखा दे। तो ये तो नॉर्मल है, ये नेचुरल चीज़ है, ताने आपको पढ़ने ही पढ़ने। अगर आप इनकम नहीं स्टार्ट किया, आपने कोई चीज़ लर्न नहीं किया, तो ये आपने टाइम देना पड़ेगा बिजनेस, जिसको आपने टाइम देना है। ये अगर आप सोचेंगे कि मैं 2 घंटे डेली के निकाल लूँ, नहीं ऐसे नहीं है। आपने 1 घंटा निकालो, 2 निकालो, फुल डेडिकेशन के साथ, उसमें मोबाइल आपको साइड पे पड़ा हो, फिर आपने इधर उधर के वो नहीं होने चाहिए इंटरेक्शन, आपका मोबाइल टोटली साइड पे पड़ा हो, फिर आप ये फुली तरीके से करो तो फिर कोई इशू नहीं है। ये दुनिया का हिस्सा है, वो बच्चा कह रहा है पैदा ही ताने खाने के लिए हुआ है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा। और कुछ पूछना आप लोगों ने? आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों ने कुछ मजीद डिस्कस करना हो, नहीं तो फिर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से क्लासेस होंगी, उसमें फिर आपको प्रॉपर इन डेप्थ सारा कुछ बताया जाएगा। आपको कोर्स में भी आपको पूरा A to Z बनाएंगे। A to Z का मकसद है कि कंपनी फॉर्मेशन से लेके, कंपनी फॉर्मेशन का तरीका नहीं लेकिन जो स्टेप्स हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए, वहां से लेके आखिरी जो स्टेप है सेलर सेंट्रल का, सेलर सेंट्रल में भी जो अमेजोन के साथ केसेस ओपन करने होते हैं, वो हर चीज आपको इसमें डिटेल पढ़ाई जाएगी इस कोर्स में। कुछ भी यानी कि इसमें हिडन नहीं होगा या कोई ऐसा नॉलेज नहीं होगा हमारी तरफ से जो आप लोगों को हो के ये इन्होंने नहीं बताया, बाकी भूल सकते हैं वो आप लोग भी याद करते हैं, साथ साथ देखते रहते हैं इधर उधर। जी ताहिर भाई, सेशन मेरे ख्याल है कंप्लीट करें, मजीद तो सवाल नहीं है बच्चों का, अगर है किसी का तो फिर क्वेश्चन देख लें, बस कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट वीक होगी वो अनाउंस कर देंगे। ग्रुप में आप हैं, हाँ उसमें अनाउंस कर देंगे। अच्छा, ये ताहिर भाई, ये एक भाई आ रहे हैं, इनको ऐड कर दीजिएगा आप, ताहिर भाई से मिल लीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है। ठीक है, फिर सेशन क्लोज करें। जी थैंक यू सर, जजाकल्ला। ठीक है जी, थैंक यू सबका, अल्लाह हाफिज़।